Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, and today we are going to study about coffea. It is a non-alcoholic beverage and part of Unit 5th of Second Paper of Botany of BSc Second Year. So coffee is a very well-known non-alcoholic beverage pey padarth hai, jo ki pure vishwa mein piya jata hai, aur coffee ke naam se hi coffee table book bhi प्रसिद्ध है. तो कॉफी एक पौधे के बीज से प्राप्त होती है. इस पौधे का बॉटनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका एंड फैमिली है रूबिएसी. रूबिएसी फैमिली का एक और पौधा जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो था सिंकोना. उसी फैमिली का पौधा है कॉफिया अरेबिका और इसे कॉफी के नाम से जानते हैं. इसके बीजों को हम रोस्ट करते हैं और रोस्ट करने के बाद इसको पीस के उस पाउडर को कॉफी के रूप में प्रयोग करते हैं. Now distribution of this plant. कॉफी शब्द आया है कफा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट था शोआ में साउथ वेस्ट एबिसिनिया में और वहां से इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था. वैसे यह प्लांट इट इज नेटिव टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द इथियोपिया जहां पे इसकी पत्तियां और इसके सूखे हुए जो फल थे वो मेस्टिकेटरी चबाने वाले पदार्थ के रूप में उसको खाया जाता था. परंतु कॉफी के रूप में इसकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई थी 8th सेंचुरी में जब वहां के लोगों ने देखा कि शीप जो है भेड़ जब कॉफी को खा रही है तो वो एक्साइट और अवेकनिंग एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है. तो वो देखने के बाद ही वहां के नेटिव लोगों ने दे हैव स्टार्टेड दिस फॉर इंटॉक्सिकेशन एंड एक्सेलरेशन. वर्ल्ड में देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री में सीलोन के अंदर सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय डच इन 1658 और उसके बाद जावा में सुमात्रा में और मलाया आर्किपेलागो के कुछ आइलैंड्स जो हैं उनमें भी 1699 में डचेस के द्वारा ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. भारत में कॉफी को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स लगभग 1700 के आसपास और अब भारत में इसकी खेती बहुत होती है स्पेशली कर्नाटक में तमिलनाडु केरला और उड़ीसा में. और कर्नाटक जो है इट गिव्स वन हाफ ऑफ द टोटल इंडियन प्रोडक्शन. तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा भारत के अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो कॉफी की खेती वहां होती है. और वर्ल्ड में देखा जाए तो ब्राजील कोलंबिया आइवरी कोस्ट इंडिया सीलोन अर्जेंटीना इंडोनेशिया इथियोपिया पेरू मैक्सिको युगांडा ग्वाटेमाला एंगोला एल सल्वाडोर इन सभी स्थानों पे कॉफी की खेती की जाती है. कॉफी की अगर हम बॉटनिकल कुछ स्पीशीज वेराइटीज देखें तो 25 स्पीशीज वर्ल्ड में मिलती हैं जिसमें सबसे कॉमन है कॉफिया अरेबिका. तो अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉफी अरेबिका. और इसकी भी दो मुख्य वेराइटीज हैं कॉफी अरेबिका वेराइटी अरेबिका एंड कॉफी अरेबिका वेराइटी बॉर्बोन. इसके अलावा कॉफिया रोबस्टा रोबस्ट कॉफी के नाम से जाना जाता है कॉफिया लाइबेरिका है लाइबेरियन कॉफी एंड कॉफिया एक्सेल्सा ये भी कुछ मात्रा में कुछ स्थानों पर ग्रो किया जाता है. नाउ बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्लांट. कॉफी का पौधा एक पेरिनियल श्रब है या छोटा सा ट्री है स्मॉल ट्री है जिसकी हाइट लगभग 4.5 से 9 मीटर तक होती है परंतु कमर्शियली इसको इसकी हाइट को 1 से 1.5 मीटर तक ही रखा जाता है बाय प्रूनिंग. और प्रूनिंग इसलिए की जाती है ताकि ब्रांचिंग ज्यादा से ज्यादा हो. इसकी पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की होती हैं अपोजिट होती हैं ओवेट होती हैं और अंड्यूलेट मार्जिन उसमें होती हैं जिसपे सफेद रंग के बड़े ही खुशबूदार व्हाइट फ्रेग्रेंट फ्लावर्स लगते हैं इन द डेंस एक्सिलरी क्लस्टर्स गुच्छों के रूप में. और इसका फ्रूट ड्रूप है ड्रूप अर्थात अष्टल फल जिसे हमने नारियल के एग्जाम्पल में पढ़ा था अष्टल फल जिसकी एंडोकार्प स्टोनी होती है. तो ओवल ड्रूप इसका फल है जिसमें एक या दो फ्लैट चपटे सीड्स होते हैं और 7 से 9 महीनों के बाद इसका फल जो है वो अपना रंग चेंज करके क्रिम्सन रेड कलर का हो जाता है. और बेस्ट वेराइटीज के रूप में कॉफी की वेराइटीज टिपिका और बॉर्बोन को माना जाता है. नाउ अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर इट्स कल्टीवेशन. तो कॉफी का पौधा जो है अरेबियन कॉफी पर्टिकुलरली वो कूल एनवायरनमेंट को प्रेफर करती है और जहां पे ह्यूमिडिटी कम हो लेस ह्यूमिड एनवायरनमेंट ठीक रहता है. टेम्परेचर अराउंड 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए परफेक्ट रहता है और इट रिक्वायर्स एन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल ऑफ ओवर 150 सेंटीमीटर. तो लगभग 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और डीप रिच वेल ड्रेन्ड फॉरेस्ट लोम सॉइल तो वैसी जो दोमट मिट्टी है उसके अंदर इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है. और
एक्सट्रीम लो टेम्परेचर अगर हो गया है, बहुत ज्यादा चिली एनवायरमेंट हो गया है, या बहुत ही ज्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, हॉट विंड्स विच दे आर नॉट फेवरेबल टू दिस प्लांट, और मोस्टली इट इज कल्टिवेटेड ऑन द स्लोप्स और टेरेस लैंड. तो आप देखते हैं कॉफी के भी बागान ढलानों के ऊपर ही ग्रो किए जाते हैं, और कॉफी प्लांटेशन में भी इन पौधों को, कॉफी के पौधे को छाया की आवश्यकता होती है. इट्स अ शेड लिविंग प्लांट. तो कुछ प्लांट्स छाया के लिए लगाए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रेविएलिया रोबस्टा, एल्बिजिया लेबेक, टर्मिनिलिया बेलेरिका. तो ये उसकी ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ के लिए बड़े उपयोगी होते हैं. ना कॉफी का पौधा दे आर यूजली रेज फ्रॉम द सीड्स, और कभी कभी कटिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा भी कॉफी के पौधे को प्रोपेगेट किया जाता है, और इसके बीज के द्वारा अगर इसे लगाया जा रहा है तो सीड्स टेक अबाउट 35 to 40 days टू जर्मिनेट. तो उसके बाद उसका जर्मिनेशन होता है, और जब सीडलिंग्स 6 महीने बड़े हो जाते हैं तब उसको रेनी सीजन के अंदर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है. और कॉफी के प्लांट्स जो हैं, दे बिगिन टू बियर फ्रूट्स इन द 3 to 4 years. 3 से 4 साल के अंतराल में इसमें फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं, और एक बार फ्रूट आना शुरू होता है तो लगभग 50 साल तक वो कंटिन्यू करता है. और फ्रूट्स की पिकिंग जो है, इट इज़ यूजली डन 3 to 12 times एन ईयर. एक साल में 3 से 12 बार फ्रूट की क्रॉप ली जा सकती है बाय हैंड, या फिर कॉफी बशेस को हिलाने के द्वारा भी ये फ्रूट्स गिर जाते हैं और उसे पिक कर लिया जाता है. नाउ अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी. तो कॉफी के फ्रूट्स इकट्ठे करने के बाद अब इसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, जिसके लिए 2 तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो ड्राई मेथड या वेट मेथड. ड्राई मेथड में बेरीज जो होती हैं इसकी, दे आर फर्स्ट ड्राइड इन द सन, या तो सन ड्राइड किया जाता है, या फिर हॉट एयर ड्रायर्स में उसको रख दिया जाता है, जहां पर प्रॉपर एजिटेशन किया जाता है टू परमिट यूनिफॉर्म एंड थोरो ड्राइंग, ताकि प्रॉपर ड्राइंग हो. और बाद में सीड्स जो होते हैं वो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द ड्राई बेरीज, तो सूखे हुए फलों में से बीजों को अलग कर लिया जाता है, उनको बाय हैंड पाउंडिंग या हलिंग मशीन्स के द्वारा अलग कर लिया जाता है. सेकेंड मेथड वेट मेथड होता है, जिसके अंदर इसके फलों को बड़े बड़े वाटर टैंक्स के अंदर, जिसमें पानी भरा होता है, उसमें डाल दिया जाता है, और उसमें डालने से जो इमेच्योर बेरी होती हैं, जो कि अधपके इसके फल होते हैं, वो पानी के सरफेस पे तैरने लगते हैं, तो उन्हें बाहर निकाल के अलग कर दिया जाता है, और उसके बाद इसके अंदर उसे रख दिया जाता है, और जो पल्प है इसका, जो गूदा है और बीज जो है, उनको मैच्योर बेरीज से अलग कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्पिंग मशीन्स, और उसके बाद जो सीड्स प्राप्त होते हैं दे आर नोन एज पार्चमेंट कॉफी. अब इसके सीड्स के ऊपर उसके बावजूद भी एक पतली लेयर फ्रूट पल्प की रह सकती है, तो सीड्स आर अगेन कैप्ट इन द वाटर टैंक फॉर 12 to 14 hours. 12 से 14 घंटे के लिए बीज को वापस पानी में डुबो दिया जाता है, एंड पल्पी लेयर इज रिमूव्ड बाय फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और उसको, उस प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है बाय एडिंग सम एंजाइम प्रिपरेशन, और बाय एडिंग 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस एनहांस हो जाएगी, तो वो जो पल्पी लेयर उस सीड के ऊपर लगी हुई है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है, और इसके बाद फर्मेंटेशन के बाद एक स्पेसिफिक फ्लेवर सीड्स के अंदर आ जाता है, और सरफेस जो है इस सीड्स की, जिनपे से पल्प हटा दिया गया है, द डीप पल्प सीड्स, उसको पॉलिश कर दिया जाता है टू मेक देम अट्रैक्टिव. और ये जो कॉफी के सीड्स प्राप्त हुए हैं, इसमें मॉइस्चर कंटेंट लगभग 12% तक मेंटेन किया जाता है बाय एक्सपोजिंग देम टू सन, सनलाइट में उसको रख के, या फिर हॉट एयर ड्रायर्स में उसको रख के 12% मॉइस्चर इसमें मेंटेन किया जाता है. अब इस कॉफी के बीन्स जो हैं, सीड्स जो हैं, उसकी ग्रेडिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और साइज, और इसके आधार पर जो कुछ मेन ग्रेड्स अवेलेबल हैं वो हैं जैसे प्लांटेशन ए, बी एंड ड्राई एज, उसी के अलावा अरेबिका चेरी ए बी और रोबस्टा चेरी ए बी ड्राई एज, ये कुछ ग्रेड्स मार्केट में अवेलेबल हैं. और जनरली कॉफी सीड्स की जो शिपिंग है वो अनरोस्टेड स्टेज में की जाती है, क्योंकि रोस्टिंग हो जाने के बाद उसके अंदर डिट्यूरेशन स्टार्ट हो जाता है. नाउ प्रोसेसिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रोस्टिंग. तो रोस्टिंग करने के लिए इन कॉफी के बीजों को रोस्टिंग मशीन्स में डाला जाता है, जहां 260 डिग्री टेम्परेचर उसके दिया जाता है, और उसको लगभग 5 मिनट के लिए उसमें रखा जाता है, एंड आफ्टर रोस्टिंग डीप रिच ब्राउन कलर सीड्स के अंदर डेवलप हो जाता है, साथ ही सीड्स में कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर एरोमा और फ्लेवर भी उसमें आने लगता है, और फिर इनको ग्राउंड कर लिया जाता है. पीसने के बाद जो पाउडर बन जाता है वो कॉफी जो है उसको सील्ड कंटेनर्स के अंदर इमीडिएटली पैक कर दिया जाता है, उसको आउटर मोस्ट एयर से कॉन्टैक्ट नहीं होने दिया जाता है. और मार्केट में आज के टाइम में इंस्टेंट कॉफी भी अवेलेबल है. इंस्टेंट कॉफी इज ऑब्टेन बाय वेपोराइजिंग अ स्ट्रांग इन्फ्यूजन ऑफ कॉफी इन वैक्यूम और बाय फ्रीज ड्राइंग टेक्निक. उसके द्वारा इंस्टेंट कॉफी आजकल बाजार में पैकेट्स में आपको मिलती है. इसके अलावा डी कैफिनेटेड कॉफी भी मिलती है, जिसमें से कैफीन को रिमूव कर दिया जाता है
फ्रॉम द अनरोस्टेड सीड्स विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हुए अल्कलॉइड कैफीन उसमें से अलग निकाल दिया जाता है. तो ये जो कॉफी है इसके अंदर कई सारे फिनोलिक कंपाउंड्स मिलते हैं और उनके डेरिवेटिव्स मिलते हैं, जैसे क्लोरोजेनिक एसिड्स मिलता है, कुछ डाइटरपिनॉइड अल्कोहल्स मिलते हैं जैसे कैफेस्टॉल एंड कैवियोल, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं, और कॉफी में वोलेटाइल और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कुछ मात्रा में देखने को मिलते हैं. और ये कुछ कॉफी की इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं, जैसे कि हैं SLN1, SLN2, SLN3, SLN10 एंड कावेरी, जो कि अरेबिका कॉफी की कमर्शियल कल्टीवर्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं. और रोबस्टा कॉफी की कुछ कल्टीवर्स हैं SLN1R, SLN2R एंड SLN3R. नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दिस कॉफी? कॉफी की क्वालिटी जो है वो डिटरमाइन की जाती है उसके कई कैरेक्टर्स को देखते हुए, उसकी अपीरेंस कैसी है, उसकी जो रॉ बीन्स है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, रोस्टिंग की क्वालिटी कैसी है, लिकर क्वालिटीज उसकी कैसी हैं, एरोमा कैसी है, उसकी बॉडी कैसी दिख रही है, एसिडिटी कितनी है, उन सब आधार पर कॉफ़ी की क्वालिटी डिटरमाइन की जाती है. और मेनली उसमें दो एल्केलॉइड्स मिलते हैं, कैफीन एंड कैफीटैनिक एसिड. तो इसका जो बिटरनेस है, कॉफ़ी का कड़वापन और जो स्टिमुलेटिंग बिहेवियर है वो कैफीन एल्केलॉइड के कारण आता है, जो इसमें 0.75 to 2.5% मात्रा में मिलता है. और जो रॉ सीड्स होते हैं उसमें ज़्यादा कैफीन होता है देन द रोस्टेड सीड्स. और कॉफ़ी का जो पर्टिकुलर फ्लेवर है वो आता है कैफियोल के कारण. कैफियोल एक वोलेटाइल ऑयल है और ये डिपेंड करता है इसका फ्लेवर कि इसमें कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि किस जगह कॉफ़ी ग्रो करवाई गई है, लोकेशन, उसकी वेराइटी कौन सी थी, और जो सीड्स हैं उसकी डिग्री ऑफ राइपनेस क्या थी, मेथड ऑफ प्रोसेसिंग क्या रहा, रोस्टिंग किस प्रकार की हुई, और उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट्स को ऐड किया गया, इन सब आधार पर डिटरमाइन करता है उसकी फ्लेवर कैसा होगा. अगर लंबे समय तक रोस्टिंग, प्रोलॉन्ग रोस्टिंग कर दी जाए तो कॉफ़ी कड़वी हो जाती है और एक्रिड हो जाती है, और अंडर रोस्टिंग अगर हो गई तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन इन द लिकर वो उसको अफेक्ट करता है. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस कॉफी? तो हम सभी जानते हैं कि कॉफी इज अ वेरी वेल नोन स्टिमुलेटिंग बेवरेज विथ पर्टिकुलर प्लेजेंट एरोमा, तो जिसे हम पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल लेते हैं. चाय के बाद कॉफी का ही सबसे ज्यादा यूज होता है. और कॉफी को अगर आप कॉफी पैकेट पे देखेंगे तो कभी कई बार उस पर लिखा होता है कि इसके अंदर चिकोरी पाउडर मिक्स है. चिकोरी पाउडर एक पौधा है, चिकोरियम एंटिबस, उसकी जो जड़ें हों उसको सुखा के रोस्ट करके वो पाउडर इसमें ब्लेंड कर दिया जाता है, जिससे एक पर्टिकुलर टेस्ट कॉफी में डेवलप होता है. कई बार इसके अंदर माल्टेड व्हीट एंड माल्टेड बार्ली को भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है कॉफी में. कॉफी का प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में तो करते ही हैं, इसके अलावा आइसक्रीम्स में भी करते हैं, बिस्किट्स में, कुकीज में करते हैं, कैंडीज, चॉकलेट बनाने में करते हैं, पेस्ट्रीज में करते हैं. और यह कॉफी जो है इट इज़ यूज एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, नर्वाइन, डाययूरेटिक है बिकॉज यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है अगर आपने कॉफी ज़्यादा कंटिन्यूस ली है. एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसकी, और इसके अलावा कई डिजीजेस में इसको बेनिफिशियल रोल देखा गया है, लिवर डिजीज में देखा गया है, सिरोसिस में, कई वायरल इन्फेक्शंस में, डायबिटीज में, और जो ब्रेन के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिजीज, उसमें देखा गया है. एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी है, एंटी माइक्रोबायल, एंटी वायरल एक्शन भी है. परंतु इसका एक्सेसिव यूज अगर किया जाता है तो एक वोलेटाइल टॉक्सिक सब्सटेंस ये सीक्रेट करता है जिसे कैफियोटॉक्सिन कहा जाता है. और मलाया के अंदर इसकी पत्तियों को भी बेवरेज पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है कुछ इसके मलाया के भाग में. और अरेबिया में एक अल्कोहलिक ड्रिंक इससे प्रिपेयर किया जाता है ड्राई कॉफी पल्प से. और कॉफी का पल्प कैटल फीड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. और इसके बीजों से एक प्लास्टिक भी बनाया जाता है जिसे कैफेलाइट कहते हैं, जिसकी बहुत ही अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. और इस पौधे की लकड़ी जो है वो बॉक्स बनाने में यूज में की जाती है. और इसकी जो ब्रांचेज हैं दे आर यूज फॉर मेकिंग वॉकिंग स्टिक्स एंड हैमर हैंडल्स, तो उसमें यूज किया जाता है. तो कॉफी न केवल पेय पदार्थ के रूप में बल्कि एक स्टिमुलेटिंग एजेंट के रूप में और कई सारी बीमारियों को प्रिवेंट करने के रूप में भी इस्तेमाल ली जाती है. इसके अलावा इसके जो कई अन्य भाग हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन अल्कोहलिक बेवरेज विच इज़ यूज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. थैंक यू वेरी मच.